अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने 7.1 जो है वो कंप्लीट कर ली थी। इस दफा 7.2 स्टार्ट करेंगे। 7.2 का बच्चों जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक कहलाता है परमुटेशन का। अब परमुटेशन जो है ये आपको चैप्टर के नाम में भी नजर आ रहे हैं, परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहला सवाल ये है कि परमुटेशन होता क्या है या होती क्या है। इस बहस में नहीं पढ़ेंगे कि परमुटेशन होता है होती है, असल चीज ये है क्या वो, ठीक है। वैसे परमुटेशन होती है। अच्छा देखो, ये परमुटेशन आमतौर पे जब टीचर्स हैं वो डायरेक्ट करवाते हैं परमुटेशन, प्रोडक्ट प्रिंसिपल नहीं बता रहे होते। वो ये बता देते कि मल्टीप्लाई करना है 7.1 में, लेकिन बाकायदा प्रोडक्ट प्रिंसिपल का नाम और स्टेटमेंट वो नहीं बताई जाती। असल फोकस रहता है परमुटेशन और कम्बिनेशन के ऊपर, और नाम में भी ये लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यह आपसे मजाक हुआ है, परमुटेशन कम्बिनेशन की कोई औकात नहीं है, प्रोडक्ट प्रिंसिपल असल इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? ये आप खुद अभी देखोगे कि परमुटेशन का फॉर्मूला, कम्बिनेशन का फॉर्मूला ये उससे ही आ रहा है, प्रोडक्ट प्रिंसिपल से ही आ रहा है। मैं जब आप लोगों को फॉर्मूला डिराइव करवाऊंगा, छोटी सी डेरिवेशन है, तो आप खुद ऑब्जर्व करोगे प्रोडक्ट प्रिंसिपल इनका बाप है। सबसे पहली चीज आपने प्रोडक्ट प्रिंसिपल पढ़ना है। अगर वो आपको समझ आ गया, फिर आपको परमुटेशन भी समझ आएगी, कम्बिनेशन भी समझ आएगी। तो मेन चीज यहाँ पे प्रोडक्ट प्रिंसिपल है, जो आमतौर पर स्टूडेंट को पता ही नहीं होती कि प्रोडक्ट प्रिंसिपल है क्या, जो मैंने आप लोगों को काउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर ये डिटेल में बताया था क्या चीज होती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को डिफरेंस फाइंड करने में आसानी हो कि यार जो प्रोडक्ट प्रिंसिपल है और जो परमुटेशन है इसमें फर्क क्या है। ये आगे जाके जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपके जहन में सवाल आ सकते हैं। तो आप ये बात ऑब्जर्व करोगे कि प्रोडक्ट प्रिंसिपल जो है उसमें आपने हर किस्म के सवाल सॉल्व किए थे। बेसिकली प्रोडक्ट प्रिंसिपल जो है ना, वो एक जनरलाइज्ड प्रिंसिपल है पूरा, जो कि बात करता है कि कोई भी दो इवेंट है, कोई भी तीन इवेंट है, उनको अगर आपने एक साथ परफॉर्म करना है तो कितने आउटकम हो सकते हैं, कितने तरीके से वो आप परफॉर्म कर सकते हो। वो आपको तरीके बताएगा, आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा होगा। डिफरेंट क्वेश्चंस आपने देखे थे, जैसे 7.1 में आप ये देख रहे थे कि विकेट कीपर सेलेक्ट करने के कितने ऑप्शन है फॉर एग्जाम्पल। फिर आपने वो सवाल देखा था जिसमें प्राइज आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ये सवाल परमुटेशन से भी आप कर सकते हो। लेकिन एक स्पैरो वाला सवाल आपने किया था कि जिसमें बेहाल में आखिरी क्वेश्चन था 7.1 का वो, कि जिसमें पर्टिकुलर स्पैरो जो है दूसरा पार्ट था कि अलोन उसने बैठना ट्री के ऊपर। अब वो सवाल आप परमुटेशन से नहीं करोगे, ठीक है। इसी तरीके से डिजिट वाले सवाल थे, उसमें कुछ सवालों में रिस्ट्रिक्शन थी कि यार इवन होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, तो उसके लिए प्रोडक्ट प्रिंसिपल यूज करते हो। तो कहने का मतलब ये कि प्रोडक्ट प्रिंसिपल हर सिचुएशन में काम आ रहा होता है, कि जब भी दो तीन चार इवेंट को आपने एक साथ परफॉर्म करना है, आप उस इवेंट की कोई भी रिस्ट्रिक्शन हो, कोई भी शर्त हो, प्रोडक्ट प्रिंसिपल उसको कंसिडर करके आपको डायरेक्ट आंसर दे देता है। जबकि ये जो परमुटेशन है ना, ये बहुत ही स्पेसिफिक इसकी ये समझ लो डोमेन है, ये बहुत ही कम चीजों में आप परमुटेशन इस्तेमाल कर सकते हो। मसलन मेजोरिटी जगह परमुटेशन देखोगे जहां पे आपको ये वर्ड नजर आएगा अरेंजमेंट। आप 7.2 के मैक्सिमम सवालों में देखोगे आपको वर्ड नजर आएगा अरेंजमेंट का। परमुटेशन बेसिकली इसकी मेन डोमेन क्या है परमुटेशन की, कि यार ये चीजों की अरेंजमेंट मालूम करता है कि यार किस चीजों को, कितनी भी कोई भी चीजें आपकी गिवन है उनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, या अगर कोई गिवन चीजें हैं उसमें से आपने तीन चार सेलेक्ट की उनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं। इसी तरीके से ऑर्डर मालूम करना है आपने कि फॉर एग्जाम्पल ए बी सी लिखा हुआ है, तो ए बी सी को कितने तरीकों से आप आपस में अरेंज कर सकते हो। तो बेसिकली परमुटेशन की मेन जो डोमेन है वो यही है कि अरेंजमेंट मालूम कर रहा होता है। तो दैट्स व्हाई आप इसको हर सिचुएशन में नहीं देखोगे, हर सिचुएशन में आप क्या इस्तेमाल कर रहे होते हो, प्रोडक्ट प्रिंसिपल इस्तेमाल कर रहे होते हो। तो ये मेन आपको फर्क नजर आएगा प्रोडक्ट प्रिंसिपल और परमुटेशन के अंदर। तो अब जरा समझ लेते हैं, मैंने एक वर्ड बताया और मेरे ख्याल में वही काफी है परमुटेशन को समझाने के लिए, कि परमुटेशन एक अरेंजमेंट है, लेटर्स की, डिजिट्स की, किसी भी चीज की अरेंजमेंट होगी वो, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन करवाता हूं, इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट। परमुटेशन जो है वो क्या है, एक अरेंजमेंट है, और मैं जो ब्रैकेट में लिखने लगा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विदाउट रेपिटेशन। ये नॉर्मली आपको बात नजर नहीं आती, ये बात आपने पढ़ी नहीं होगी ना, कभी सुनी होगी। ये मैं बताऊंगा कि मैं क्यों लिख रहा हूं ब्रैकेट के अंदर विदाउट रेपिटेशन। तो परमुटेशन एक अरेंजमेंट है, विदाउट रेपिटेशन को छोड़ दो, इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ऑर्डर मैटर करता है यहां पे, कि एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करना है, इसको भी जरा मैं समझाऊंगा कि डेफिनेट ऑर्डर का मतलब क्या है यहां पे। इन अ डेफिनेट ऑर्डर टेकिंग नहीं डेफिनेट ऑर्डर ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट्स। सेवरल की स्पेलिंग यही होती है ना,
डेफिनेट ऑर्डर है ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको गिवन है. अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, टेकिंग सम और ऑल एट अ टाइम. पेन इंक कम है तो हम इसको हेडिंग में आने के लिए यूज करेंगे, बस ब्लैक को यूज करेंगे. यार दो तीन इंपॉर्टेंट बातें जो आपने प्रमोटेशन के बारे में समझनी है. सबसे पहली बात, प्रमोटेशन होती क्या है, एग्जाम्पल देता हूं फिर बात समझ आएगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास तीन लेटर है ए बी सी, तीन अल्फाबेट्स मैंने आपके सामने लिखी थी, मैं आपको बोलता हूं इनके अरेंजमेंट मालूम करो, तो इनकी किस तरीके से आप इनको आपस में अरेंज कर सकते हो. सबसे पहली चीज, आप इनको इस तरह लिख सकते हो ए बी सी, आप इसको लिख सकते हो ए सी बी, आप इसको लिख सकते हो बी ए सी, इसी तरीके से उल्टा कर दो इनको बी सी ए, फिर आप लिखोगे सी ए बी, फिर आप लिखोगे सी बी ए. ये परमोटेशन ने हमें नहीं बताया, ये प्रोडक्ट प्रिंसिपल ने हमें बताया है. लेकिन परमोटेशन का भी फॉर्मूला, क्योंकि प्रोडक्ट प्रिंसिपल से निकाला है ना आपने परमोटेशन, तो ये प्रोडक्ट प्रिंसिपल में भी आपने देखा था. मैंने इसी सवाल को करवाया था कि आपने अगर तीन चीजों को अरेंज करना है तो कितने तरीके हैं, पहली प्लेस, दूसरी प्लेस, तीसरी प्लेस. पहली प्लेस में आप कोई भी तीन अल्फाबेट पुट कर सकते हो जो आपने पहली दफा पुट कर दिया, दूसरी प्लेस में कोई भी दो, फिर वन, मल्टीप्लाई करो सिक्स आएगा. ये सिक्स अरेंजमेंट मैंने आप लोगों के सामने लिखी है, तो ये हमें प्रोडक्ट प्रिंसिपल ने बेसिकली बताया था. तो कहने का मतलब है जो डिफरेंट अरेंजमेंट है ना, इस अरेंजमेंट को आप क्या बोलोगे, परमोटेशन. तो परमोटेशन कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस सिंपल अरेंजमेंट को आप कहते हो. अब अल्फाबेट की अरेंजमेंट है, नंबर्स की अरेंजमेंट है, या डिफरेंट सिचुएशन में आप बोलोगे बुक्स को अरेंज किया होगा या कहीं फ्लैग्स को अरेंज किया होगा, ये समझ लो. मेन चीज क्या है, अरेंजमेंट है, परमोटेशन. सही है. अच्छा, एक वर्ड होता है सिलेक्शन का, ये कॉम्बिनेशन में ज्यादातर हम यूज करते हैं, लेकिन सिलेक्शन का वर्ड परमोटेशन में भी आप यूज करते हो. क्यों, मैंने डेफिनेशन में एक चीज लिखी है, टेकिंग सम और ऑल एट अ टाइम. परमोटेशन में जरूरी ये नहीं होता कि जितने लेटर्स हैं उन्हीं को आपने अरेंज करना है, नहीं. ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे आपने नंबर्स के अंदर देखा था कि गिवन नंबर फॉर एग्जांपल 7 थे, लेकिन आपने 3 डिजिट का नंबर बनाना था. सबका 7 डिजिट गिवन है, तो 7 डिजिट का नंबर नहीं आप बना रहे थे, 3 डिजिट का नंबर बना रहे थे. तो ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि जितने आपको अल्फाबेट्स गिवन है आपने सब यूज ना कर रहे हो, आपने कुछ यूज करने हो. फॉर एग्जाम्पल, मैं दूसरी एग्जाम्पल आपको देता हूं. दूसरी एग्जाम्पल क्या होती है कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास कितने लेटर हैं, ये एग्जाम्पल इजी करनी है ना मुझे, तो मैं इसी एग्जाम्पल को कंसीडर करता हूं, मैं दो लेटर लेता हूं. पहले मैंने तीन दिए थे ना, मतलब जितने अल्फाबेट थे उतनी मैंने लिए थे, तो आपके पास ये अरेंजमेंट बनी थी. अब सिचुएशन ये कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तीन अल्फाबेट है और मुझे दो को अरेंज करना है, कितनी पॉसिबिलिटी है मैं दो को अरेंज कर सकता हूं, प्रोडक्ट प्रिंसिपल से कर सकते हो आप. कैसे, दो का बनाना ना, पहली प्लेस पे कितने आ सकते हैं, तीन, दूसरी प्लेस पे कितने आ सकते हैं, दो, थ्री टू दा सिक्स, अभी भी सिक्स बनेंगे देख लेते हैं. ए बी, इसी तरीके से बी ए, फिर ए सी, सी ए, फिर बी सी, फिर सी बी, छह अरेंजमेंट आपके सामने. तो जरूरी नहीं होता कि जितने अल्फाबेट गिवन है उन्हीं को आपने अरेंज करना है, ये एक एप्लीकेशन है. या दूसरी एप्लीकेशन ये भी है कि अगर गिवन तीन है और आपने दो को अरेंज करना है, कोई मसला नहीं, दो को भी कर सकते हो. गिवन दस है, आपने उसमें से तीन पिक करना है, कर सकते हो, कोई इशू नहीं. तो ये अरेंजमेंट है डिफरेंट ऑब्जेक्ट की, टेकिंग सम. अगर आप गिवन डिजिट में से कुछ डिजिट लो, मतलब तीन थे आपने दो ले लिए, दस थे आपने चार ले लिए, और ऑल एट अ टाइम, या अगर जितने डिजिट गिवन है सबको ही आप ले लो, जैसे यहां पे तीन गिवन थे आपने सबको अरेंज कर दिया आपस में, दोनों किस्म के सवाल में आप इसको अरेंजमेंट बोलोगे, दोनों किस्म के सवाल परमोटेशन के अंदर फॉल करेंगे. ठीक है, आखिरी चीज रहती है, अच्छा ऑर्डर भी मैटर करता है, डेफिनेट ऑर्डर को भी समझाता हूं. पहले मैंने आपको वर्ड समझाया था अरेंजमेंट, फिर मैंने ये समझाया, अब मैं आपको समझा रहा हूं डेफिनेट ऑर्डर. इस डेफिनेट ऑर्डर का मतलब क्या है कि अगर मैं आपके सामने ए बी लिख रहा हूं और बी ए लिख रहा हूं, ये दोनों अलग परमोटेशन मानी जाएंगे. क्यों, क्योंकि परमोटेशन में ऑर्डर मैटर कर रहा होता है, कि जिस ऑर्डर में आप चीज लिख रहे हो वो मैटर करता है. अगर ऑर्डर आपने चेंज किया तो परमोटेशन भी चेंज हो गई. अगर आपने ए बी लिखा है तो ये एक परमोटेशन मानी जाएगी, अगर आपने बी ए कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, तो अब ये दूसरी परमोटेशन मानी जाएगी. तो ऑर्डर बहुत मैटर करता है. फॉर एग्जाम्पल ए बी सी है, आपने ए सी बी कर दिया, लेटर अल्फाबेट तो वही है ना, ऑर्डर चेंज हुआ बस इनका. इसी तरह बी ए सी, अगेन इन छह की छह परमोटेशन में आप देखोगे आपको जो लेटर्स नजर आ रहे हैं, अल्फाबेट नजर आ रहे हैं, वो एग्जैक्ट सेम है. सिर्फ फर्क किस चीज का है, फर्क है इनके ऑर्डर का.
तो परमोटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। ये क्यों बार बार फोकस किया जा रहा है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। दैट्स व्हाई यहां पे बताया जा रहा है कि ऑर्डर लाजमी मैटर करता है। कॉम्बिनेशन जब आप पढ़ोगे ना, मैं उसमें भी बताऊंगा, वहां ऑर्डर मैटर नहीं करता। वहां पे आप ए बी लिखो या बी ए लिखो, ये एक ही कॉम्बिनेशन मानी जाएगी, लेकिन परमोटेशन में ये दो परमोटेशन मानी जाएंगी, क्योंकि परमोटेशन का ऑर्डर मैटर करता है। अब आखिरी चीज है, और ये वो चीज है जो आमतौर पर आपको आसानी से मिलेगी नहीं नेट पे, या कोई टीचर आपको बताएगा नहीं, और आमतौर पे इसको परमोटेशन के अंदर ही डाल दिया जाता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, आपने 7.1 में देखा था डिजिट्स वाले क्वेश्चन में कि रिपीटेशन आप अलाउड करते थे। तो याद रखना, जब रिपीटेशन अलाउ होती है ना, तो वो कोई परमोटेशन का सवाल नहीं होता। ये बोलने में आता है कि परमोटेशन विद रिपीटेशन, परमोटेशन विदाउट रिपीटेशन। हालांकि अगर आप इसको प्रॉपर समझो ना इस बात को, तो परमोटेशन के अंदर रिपीटेशन हो ही नहीं सकती। ये रिपीटेशन वाला केस है ही प्रोडक्ट प्रिंसिपल का, वो इसलिए क्योंकि जो प्रोडक्ट प्रिंसिपल नहीं बताएगा आपको, तो फिर रिपीटेशन वाला केस वो परमोटेशन के अंदर डाल देगा। तो जिसने प्रोडक्ट प्रिंसिपल पढ़ा है वो जानता है कि रिपीटेशन जो है वो प्रोडक्ट प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है, परमोटेशन की नहीं है। क्यों नहीं है, मैं रीजन आपको बता देता हूं। क्योंकि परमोटेशन एक अरेंजमेंट है, चीजों की अरेंजमेंट आप कर रहे हो। अब अरेंजमेंट फॉर एग्जांपल मैं ए बी सी की कर रहा हूं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि इसमें रिपीटेशन होगी? भाई ए अगर एक दफा आ रहा है तो दोबारा आप यूज नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते ए ए बी, ये आप कैसे यूज करोगे? क्योंकि जो गिवन चीजें हैं आपने उनको आपस में अरेंज करना है। इसको आप प्रैक्टिकली बात समझो कि फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है आपका ए, एक बॉक्स है बी, एक बॉक्स है सी, आपने उनको अरेंज करना है। तो बॉक्स ए जो है अगर आपने पहली प्लेस पे यूज कर लिया, आप उस बॉक्स को दूसरी प्लेस पे कैसे यूज करोगे? नहीं यूज कर सकते। तो ये जो परमोटेशन है अरेंजमेंट है, चीजें आपके पास गिवन है उनको आपने अरेंज करना है। एक केस होता है जिसमें चीजें जो है वो आपस में सेम होती है, वो अलग केस है, वो विद रिपीटेशन नहीं कहलाता। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये चीज लिखी हुई हो, ये भी परमोटेशन करोगे। अब ये गिवन सर्कमस्टेंसेस में ए आपको गिवन है कि दो ए आते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है सार, इसके अंदर दो ए आते हैं, आपको बोला जाए कि सात को अरेंज करो, तो अब ये नहीं आप बोलोगे कि परमोटेशन विद रिपीटेशन, ये इसके लिए बोलना ठीक नहीं है। इसको आप क्या बोलोगे कि चीजों को आपने अरेंज करना है लेकिन कोई चीजें जो है वो सेम है, आप इसको ये बोलोगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल परमोटेशन कराई जाएगी। ये गिवन चीजें है ना भाई, आपको नजर आ रही है, इनको आपने अरेंज करना है। ये कैसे पॉसिबल है कि आपको नजर ए बी सी आ रहा है और इसमें आप रिपीटेशन अलाउ कर दो कि यार तीनों पोजीशन पे ए आ सकता है? कैसे आएगा भाई, जब आपके पास ए है ही एक तो कैसे आ सकता है वो? तो ये क्या चीज है, ये प्रोडक्ट प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है। लेकिन आमतौर पे इसको आप गूगल पे देखोगे, आप बुक में देखोगे, आप हर जगह देखोगे लिखा हुआ नजर आएगा परमोटेशन विद रिपीटेशन। ठीक है, लेकिन परमोटेशन विद रिपीटेशन ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, परमोटेशन विदाउट रिपीटेशन ही कंसिडर की जाती है। इसी तरह कॉम्बिनेशन भी है, वो भी विदाउट रिपीटेशन है। विद रिपीटेशन अगर उसमें अलाउ करोगे ना आप, तो बहुत मुश्किल केस बनता है, वो भी मैं सिखाऊंगा। वो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा पाकिस्तान में, बाकी तो खैर दुनिया में तो चल रही है चीजें। पाकिस्तान में सिंध बोर्ड का तो एटलीस्ट टीचर ने नहीं बताया होगा, पंजाब बोर्ड का शायद किसी ने बताया, वो आपकी बुक में भी नहीं है। तो मैं फिर भी एक आइडिया दे दूंगा, कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन सबसे मुश्किल केस होता है वो, लेकिन उसमें भी जबरदस्ती आपने रिपीटेशन अलाउ की हुई है। परमोटेशन हो कॉम्बिनेशन हो, ये चीजों की अरेंजमेंट होती है, इसमें ऑर्डर मैटर करता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन है ही अरेंजमेंट, तो रिपीटेशन इसके अंदर नहीं होती। ये केस डिफरेंट है, इसको आप ये नहीं बोलोगे रिपीटेशन। जैसे मैंने डिजिट वाला करवाया था उसमें क्या होता था, आप फॉर एग्जांपल इसमें रिपीटेशन अगर मैं अलाउ करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल पहले डिजिट पहली प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, ए बी सी। फॉर एग्जांपल आपने ए पुट किया है यहां पे, अब ए दोबारा उठकर आ गया। मैंने डिजिट में क्या बताया था, रिपीटेशन में क्या होता है कि अगर आपने एक चीज पुट की दोबारा आ जाती है स्टॉक के अंदर, ये जैसे ही किसी बंदे ने यूज कर लिया एक ए को, ए दोबारा स्टॉक में आ जाएगा। तो दूसरी पोजीशन के लिए दोबारा ए बी में से सी में से कुछ भी पुट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने ए पुट किया, दोबारा आप इसको तीसरी जगह पे ए पुट कर सकते हो। तो ये चीज डिफरेंट है और ये चीज डिफरेंट है, इसको सेम नहीं कंसीडर करना। ठीक है, तो ये मैंने परमोटेशन के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। परमोटेशन में ऑर्डर बहुत मैटर करता है। दूसरी चीज, परमोटेशन एक अरेंजमेंट है, सब चीजों को आप अरेंज कर सकते हो या सब में से कुछ चीजों को आप अरेंज कर सकते हो, दोनों सिचुएशन में वो परमोटेशन ही कहलाए जाएंगे। अब सवाल ये है कि परमोटेशन का फॉर्मूला क्या है और डिफरेंट केसेस होते हैं परमोटेशन के, उस पर हम आते हैं। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है ना, मैं इन्हीं से समझाता हूं आपको बात। कि फॉर एग्जांपल ये तो बहुत इजी एग्जांपल है यार, मैं थोड़ी डिफरेंट एग्जांपल आपको देता हूं। ये तो बहुत इजी एग्जांपल है, अच्छा फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डिजिट्स हैं, कंसीडर करते हैं, देखो मैथ के अंदर कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल सिस्टम में मैंने आप लोगों को बताया था 10 डिजिट होते हैं। ठीक है, तो 0
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब आपको बोला जाए कि यार जो गिवन डिजिट्स हैं, इनसे आपने 4 डिजिट का पिन बनाना है। अगर आप मोबाइल पे एक पिन लगाते हो तो वो 4 डिजिट का होता है, आपको 4 डिजिट का पिन लगाना है। सबसे पहले मैं सवाल को प्रोडक्ट प्रिंसिपल से कर रहा हूं और फिर इसी सवाल से मैं परमुटेशन का फॉर्मूला बनाऊंगा, और जब फॉर्मूला आ जाएगा उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके डायरेक्ट भी इसका आंसर निकाल सकोगे, आपको प्रोडक्ट प्रिंसिपल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इनिशियली आया फॉर्मूला प्रोडक्ट प्रिंसिपल से ही है, तो बाप प्रोडक्ट प्रिंसिपल ही है यहां पे। अब कितने तरीके से आप इन 10 डिजिट से 4 डिजिट का पिन बना सकते हो? अब मैं अगेन वही बात बोल रहा हूं, परमुटेशन एक अरेंजमेंट होती है। अरेंजमेंट होती है कि यार ये 10 डिजिट आपके पास गिवन है, इन्हीं को आपने आपस में अरेंज करना है, तो रिपीटेशन की सेंस बनती नहीं है। लेकिन अगर आप एक इमेजिनरी केस डिस्कस करो तो उसमें ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने पहली प्लेस पे 5 पुट किया तो 5 आप दोबारा भी पुट कर सकते हो, मतलब रिपीटेशन उसके अंदर अलाउ हो जाती है। ये आपको चीजें मैंने फर्क बता दी, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने आइडली बता दी कि परमुटेशन विदाउट रिपीटेशन असल कॉन्सेप्ट है। आमतौर पर परमुटेशन विद रिपीटेशन भी बोला जाता है, आप कैटेगोरिकल गलत नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दी है। तो इस टॉपिक को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि 4 डिजिट का पिन बनाओ, तो यार जब आप मोबाइल पे पिन बनाते हो तो आप एक लेटर को दोबारा भी तो यूज कर सकते हो ना। फॉर एग्जांपल किसी ने एक पिन बना दी 2266, अब इसमें 2 दो दफा आ रहा है, 6 दो दफा आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है अगर आप बेवकूफ हो, आप एक ही लेटर को 4 दफा लिख दो, एक ही डिजिट को 2 2 2 2 4 डिजिट, कुछ भी आप बना सकते हो ना। तो पिन बनाते हुए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको। तो आप किस तरह सॉल्व करोगे सवाल को? सवाल को सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि पहली प्लेस में कोई भी 10 पुट कर सकते हो, दूसरी प्लेस में कोई भी 10, दूसरी तीसरी पे भी 10, तीसरी पे भी 10, चौथी पे भी 10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 10,000। 10,000 पिन बना सकते हो आप। ये अब रियल एप्लीकेशन है परमुटेशन की। परमुटेशन नहीं बोलेंगे इसको, प्रोडक्ट प्रिंसिपल की। कि आपने क्या किया, आपने अगर मालूम करना हो कि यार ये 10 डिजिट है, मैं कितने पिन यहां से जनरेट कर सकता हूं, तो आप 10,000 पिन जनरेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उन पिन में क्या होगा? रिपीटेशन अलाउड होगी। मैंने बताया रिपीटेशन कोई परमुटेशन का केस नहीं है, तो अभी मुझे परमुटेशन का फॉर्मूला डिराइव करवाना है तो डेफिनेटली रिपीटेशन में कंसिडर नहीं कर सकता। तो विदाउट रिपीटेशन हम इस बात को देखते हैं। प्रोडक्ट प्रिंसिपल में तो डेफिनेटली रिपीटेशन हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, लेकिन परमुटेशन में विदाउट रिपीटेशन बहुत दफा बताया आप लोगों को। तो विदाउट रिपीटेशन अगर आप इसको कंसिडर करोगे तो आप क्या लिखोगे? आप कहोगे पहली प्लेस पे कोई भी मैं 10 पुट कर सकता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी एक डिजिट पुट कर दिया, अब रिमेनिंग कितने बचे? 9। आप सेकंड प्लेस पे कोई भी 9 पुट कर सकते हो, थर्ड प्लेस पे आप कोई भी 8 पुट कर सकते हो, फोर्थ प्लेस पे आप कोई भी 7 पुट कर सकते हो। तो प्रोडक्ट प्रिंसिपल मुझे बता रहा है कि कितने में पिन जनरेट कर सकता हूं? 10 × 9 × 8 × 7। ये प्रोडक्ट प्रिंसिपल ने मुझे बताया, जिसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है ऑब्वियसली। तो अब ये परमुटेशन का केस है। अब मैं इसको एक फॉर्मूले पे जनरेट करता हूं और वो फॉर्मूला परमुटेशन का कहते हो, क्योंकि परमुटेशन अरेंजमेंट है और ये वाली चीज भी अरेंजमेंट ही है। अब फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? मैंने आप लोगों को फैक्टोरियल के अंदर एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर फैक्टोरियल लिखे हो फ्रैक्शन के अंदर तो आपने सिंप्लीफाई कैसे करना है, और अगर प्रोडक्ट लिखा हुआ हो उसको फैक्टोरियल में कैसे कन्वर्ट करना है। ये 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो था शुरू के लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी। तो अब ये आपको प्रोडक्ट गिवन है, आपने क्या करना है? आपने इसके अंदर इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से कन्वर्ट करोगे? प्रोडक्ट खत्म हो रहा है 7 पे, 7 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 6। तो आप क्या करो, आप 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो। मैथ अलाउ करता है आपको कि अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाह रहे हो तो आपकी मर्जी, कुछ भी करवा दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या किया, 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब अगर आप न्यूमरेटर देखो तो न्यूमरेटर ये है पूरा 10 फैक्टोरियल। कैसे? 10 फैक्टोरियल क्या होता है? 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 4 × 3 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो एग्जैक्ट ये चीज तो गिवन है, 10, 9, 8, 7, और ये 6 फैक्टोरियल रोका हुआ आपने। 6 फैक्टोरियल को जब एक्सपेंड करोगे तो अब क्या आएगा? 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो बेसिकली न्यूमरेटर जो है वो पूरा क्या है? 10 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर तो 6 फैक्टोरियल। तो इस प्रोडक्ट को मैंने कन्वर्ट कर लिया किस फॉर्म में? फैक्टोरियल के फॉर्म में। क्यों कन्वर्ट किया? अब यहां से फॉर्मूला आपका आ जाएगा। फॉर्मूले के लिए 2 वेरिएबल हम यूज करेंगे, उन वेरिएबल्स का पता होना चाहिए। एक वेरिएबल होगा n, दूसरा होगा r। n क्या होगा? n होगा टोटल ऑब्जेक्ट्स, आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स गिवन है। आपको ये समझ लो कि एक सेट होगा कि यार इस सेट के अंदर ये वाली सारी ऑब्जेक्ट्स हैं।
अब अगर आपने कोई अरेंजमेंट करनी है तो इसी ऑब्जेक्ट में से आप निकालोगे और फिर उनको आपस में अरेंज करोगे, तो एन होगा टोटल गिवन ऑब्जेक्ट जो भी आपको गिवन है। और दूसरी चीज होगा आर, आर का मतलब कितनी आपने पिक करनी है। फॉर एग्जाम्पल 10 डिजिट थी ना, तो आपने कितनी पिक की है, आपने 4 डिजिट का बनाया ना, तो आर यहां पे क्या होगा, 4 होगा। तो इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर एट अ टाइम, कि एन ऑब्जेक्ट्स गिवन है और आपने एट अ टाइम आर लेना है। 10 ऑब्जेक्ट है आपने फॉर एग्जाम्पल 4 लिया तो आर 4 हो गया। 5 ऑब्जेक्ट है आपने एट अ टाइम 2 लिया तो 5 हो जाएगा एन, 2 हो जाएगा आर। जितनी आप पिक करते हो वो आर होता है, जितनी टोटल ऑब्जेक्ट्स है उसको आप क्या बोलते हो, एन बोलते हैं। तो अगर आप ऑब्जर्व करो यहां पे कितनी ऑब्जेक्ट थी, 10 थी, तो मतलब 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, एन फैक्टोरियल। ओवरऑल सब ऑब्जेक्ट 10 थी जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो 6 फैक्टोरियल है मैं इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकता हूं, जो 10 फैक्टोरियल है ना इसको, जो नीचे 6 फैक्टोरियल है मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। एक ही बात है, 10 माइनस 4 क्या होता है, 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को लिखने का एक और तरीका है 10 माइनस 4। अब अगर आप इस फॉर्मूले में देखो तो 10 यहां पे क्या है, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट्स, तो n लिख दिया मैंने। अगेन नीचे 10 की जगह आप क्या लिख दो, n लिख दो। माइनस ये 4 क्या था, यहां पे 4 था कि आपने इतने डिजिट पिक किए थे, 10 डिजिट थे, आपने पिक कितने किए थे, 4 किए थे, जिसको हमने नाम दिया हुआ था आर का, कि आप जितने पिक करते हो। तो 4 की जगह आप क्या लिख सकते हो, आर लिख सकते। ये बच्चों फॉर्मूला होता है परमुटेशन का, ये जनरल फॉर्म है परमुटेशन। नोटेशन क्या फॉर्मूले की, मशहूर नोटेशन यही है कि आप ऊपर एन लिखते हो नीचे आर लिखते हो, इस तरीके से एन पी आर। मतलब क्या होता है कि एन ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से आपने आर पिक की हैं, उसकी परमुटेशन कितनी है, ये फॉर्मूला आपको बताएगा, जिसको मैं लिखवा देता हूं डेफिनेशन की फॉर्म में, नंबर ऑफ परमुटेशन of n objects taking r at a time, कि 10 ऑब्जेक्ट थी फॉर एग्जाम्पल आपने 4 ले ली, 8 ऑब्जेक्ट है आपने 3 ले ली, तो 8 हो जाएगा n, 3 हो जाएगा r, ठीक है। ये बच्चों कॉम्पिटेशन का फॉर्मूला होता है, ये मेन फॉर्मूला है जिसको आपने कंसिडर करना है। और अब आपको ये बाखूबी बात समझ आ गई होगी कि कॉम्पिटेशन का फॉर्मूला कहां से आया, प्रोडक्ट प्रिंसिपल से। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रोडक्ट प्रिंसिपल है, ठीक है।